हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। अगर आप लोग एक ऐसा निक इवेंट चाहते हैं जिसको चार्ज करने की जरूरत आपको ना पड़े, यूज करते जाए चार्ज करना भूल जाए, तो ये दोस्तों मेरे पास बोट की ब्रांडिंग के साथ आने वाला वायरलेस निक इवेंट, जो काफी ज्यादा पावरफुल है, काफी ज्यादा स्मार्ट है, फीचर्स तो काफी ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे। तो इसी की अनबॉक्सिंग वगैरह करूंगा, प्राइस और फीचर्स वगैरह बताऊंगा क्या इस प्राइस में इस निक इवेंट को आपको। मैंने तो परचेज वगैरह कर लिया है, आपको परचेज वगैरह करना चाहिए कि नहीं। चलो फिर दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करना, उसके बगल में बेल आइकन को उसे भी इनेबल कर देना, ताकि ऐसे डिटेल वीडियो आते रहते हैं जो आपका यूजफुल हो सकता है, तो उसे अपने फोन पे सबसे पहले फटाफट देख पाए। आगे बढ़ने से पहले बॉक्स पैकिंग बात करते हैं। यहाँ बोट का लोगो दिया गया, यहाँ पे कोई ट्रिनिटी का ब्रांडिंग वगैरह किया गया, जो मॉडल नंबर है। यहाँ पे आपको लिव दी साउंड की ब्रांडिंग की गई, इसके लिए आपको तो इसके लिए काफी चीजें अच्छी चीजें मेंशन किया गया। यहाँ पे कुछ फीचर्स वगैरह मेंशन किया गया, जिसमें दोस्तों इसकी हाईलाइट है, 150 आवर की बैटरी लाइफ वगैरह मिल जाएगा, तो ये काफी ज्यादा मेन हाईलाइट वगैरह होने वाला है। क्लियर साउंड की ब्रांडिंग की गई, तो बॉक्स पैकिंग में काफी सारे फीचर्स वगैरह मेंशन किया गया, काफी बड़ी बॉक्स पैकिंग है। तो फटाफट देर नहीं करता हूँ, ओपन करते और खुद ही रीड वगैरह करते हैं क्या क्या कैसे चीजें वर्क वगैरह करता है, जो ब्रांड ने बताया है कितने अच्छे से वर्किंग वगैरह करता है। नहीं तो ओपन कर चुका हूँ दोस्तों, देखिए तो लिड को निकालता हूँ मैं, यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ से तो निकालने के बाद सबसे पहले रखा मिल जाता हमारा ये निक बैंड, जो बेसिकली काफी ज्यादा देख पा रहे हैं ब्लू कलर का हमारा कॉन्सेप्ट वाला निक बैंड है, तो इसको साइड में रखते हैं। यहाँ पर आपको मिल जाता है USB टाइप सी केबल और कुछ प्रेम पत्र, जिसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ, ईयर प्लग कैप्स अपने हिसाब से एडजस्ट रख कर सकते हैं। ये दोस्तों हमारा वायरलेस निक बैंड, जिसकी सबसे पहले कलर एंड अवेलेबिलिटी की बात करूँ तो हमारा निक बैंड इसके ब्लू कलर में, कलर की बात करूँ तो और भी कलर ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, लिंक वगैरह दे दूंगा, वहाँ जाकर चेकआउट वगैरह कर सकते हैं। जिसमें आपको अवेलेबिलिटी की बात करूँ तो बिल्कुल A to Z प्लास्टिक है, जहाँ पे आपको देख पा रहे हैं A to Z मटेरियल वगैरह इस्तेमाल किया गया। ये निक बैंड की बात करूँ तो इसके लिए नॉर्मल निक बैंड नहीं है, इसके लिए ऐसी रबड़ वगैरह, इसको जितना चाहें फॉलो वगैरह कर सकते उतना फॉलो वगैरह कर पाएंगे। मेन हाईलाइट है दोस्तों, यहाँ पे आपको दोनों तरफ बोट की ब्रांडिंग की गई, ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ आता है तो प्लास्टिक, लेकिन दोनों में बैटरी दिया गया, तो काफी ज्यादा पावरफुल होने वाला फिनिशिंग वगैरह देखने में। यहाँ की बात करूँ तो काफी ज्यादा चीजें सही लग रही है। यहाँ पे इधर वायर की क्वालिटी की बात करूँ तो फ्लैट केबल है, जिसके लिए फ्लैट केबल है, इसको इसमें दोनों को ज्वाइंट वगैरह भी कर सकते हैं, तो काफी चीजें यूज वगैरह करने में कंफर्टेबल होगा। यहाँ पे मेन सेक्शन है, जहाँ पे आपको सबसे पहले टाइप सी पोर्ट है, जिससे इसको चार्ज वगैरह कर सकते हो, और यहाँ पे आपको सारा कंट्रोल है, माइनस प्लस पावर और बटन, इंडिकेटर लाइट वगैरह है। यहाँ प्रेस करके रखेंगे तो इंडिकेटर वगैरह करने वाला, तो सारा चीजें यहीं से कंट्रोल कर पाएंगे। जिसमें आपको उसके लिए सिंगल माइक भी दिया गया, तो माइक के लिए काफी ज्यादा सही है। इसमें भी दोस्तों एक माइक यहाँ दिया गया, दो माइक इसके अंदर दिया गया, तो तीन माइक वगैरह मिलने वाला, तो क्वालिटी का एक्सपीरियंस काफी ज्यादा सही होगा। जिसमें ईयरबड की बात करूँ तो ईयरबड है तो काफी ज्यादा प्लास्टिक बिल्कुल ऐसा रहता है, ये भी ब्लू कलर में बोट का लोगो वगैरह दिया गया, लेकिन मैग्नेटिक बॉन्डिंग उतनी अच्छी नहीं मिलती, इसलिए मेटल से ईयरबड्स होते हैं ना, उसकी मैग्नेटिक बॉन्डिंग काफी ज्यादा सही होता है। लेकिन इसमें काफी पावरफुल मैग्नेटिक वैसे भी दिया गया, लेकिन मेटल के मुकाबले उतनी अच्छी से देखने के लिए नहीं मिलेगा। ईयरबड का साइज की बात करूँ तो साइज काफी ज्यादा अलग है दोस्तों, डिजाइन वगैरह भी काफी ज्यादा सही है तो प्लास्टिक बिल्कुल एलर की ब्रांडिंग की गई, लेकिन डिजाइन वगैरह काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। ये नहीं है कि 4-5 घंटे लगा के रखेंगे तो पेन वगैरह होगा, बैटरी लाइफ ज्यादा दिया गया, तो उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखा गया जितने देर वे लगा के रहेंगे पेन वगैरह आपको नहीं होने वाला, काफी ज्यादा यूज करने में कंफर्टेबल होने वाला, तो ये चीज आपको काफी ज्यादा सही है। ये जो वीडियो का पार्ट होने वाला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, कि यहाँ पे मैं बात करूंगा परफॉर्मेंस और फीचर्स वगैरह की बात करूंगा, तो जिसमें सबसे पहले बैटरी लाइफ की बात करूँ तो यहाँ पे दोस्तों फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट वगैरह मिल जाएगा, फुल चार्ज वगैरह करने में 2 घंटे का आसपास लगेगा। और क्यों लगेगा, क्योंकि बैटरी लाइफ काफी ज्यादा बड़ी दी गई है, जिसमें आपको फुल चार्ज करने में ब्रांड का कहना है 150 आवर की बैटरी लाइफ मिल जाएगा, लेकिन अगर फुल गाने वगैरह सुनते तो 120 से 130 आवर के आसपास मिलेगा, जो काफी ज्यादा सही है, काफी ज्यादा मैसिव साउंड क्वालिटी बैटरी लाइफ देखने के लिए मिल जाएगा। जिसमें दोस्तों फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, 10 मिनट के लिए चार्ज करेंगे तो 24 आवर का बैटरी लाइफ मिल जाएगा, जो काफी सारे नेक बैंड का बैटरी लाइफ फुल होता है, लेकिन इसमें आपको 24 आवर 10 मिनट में मिल जाएगा, तो काफी ज्यादा चीजें सही है। उसके बाद बात करूँ कनेक्टिविटी का, ब्लूटूथ 5.2 का कनेक्टिविटी दिया गया, जहाँ पे फास्ट वायरिंग का सपोर्ट नहीं है, डुअल वायरिंग सपोर्ट मिल जाएगा। डुअल पेयरिंग ये होता है, दो डिवाइस से एक साथ पेयर कर सकते हैं, कनेक्ट एट ए टाइम एक ही डिवाइस में कर पाएंगे, तो ये चीज़ें काफ़ी सही है। फास्ट पेयरिंग का नहीं है कनेक्टिविटी, लेकिन कनेक्ट करने के बाद 2 दिन से यूज वगैरह कर रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा सीमलेस कनेक्टिविटी वगैरह मिल जाएगा, तो कोई भी कनेक्टिविटी में आपको प्रॉब्लम वगैरह नहीं आएगी, ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सही है। IPX5 सर्टिफाइड है, तो वाटर प्रूफ तो नहीं है, वाटर रेजिस्टेंट है, तो ये काफ़ी ज़्यादा सही है। थोड़ा बहुत बारिश वगैरह का मौसम आ रहा है, पसीने वगैरह का टाइम भी है, गर्मी है, तो पसीने वगैरह से सेफ वगैरह रहने वाले हैं, कोई दिक्कत वगैरह नहीं होगी। अब बात करूँ दोस्तों कॉलिंग
के लिए, तो इसमें ENX टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, जिससे कॉलिंग जो है ना क्रिस्टल क्लियर होने वाली है आपकी कॉलिंग के मामले में। इस निक बैंड को इस प्राइस रेंज पे कोई भी बीट नहीं कर सकता, जो काफ़ी ज़्यादा, मैं अपने पर्सनली चेक वगैरह किया, आउटडोर की बात कर रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सही है, तो कॉलिंग के लिए फुल सपोर्टिव परचेज वगैरह कर सकते हैं। यहीं पर दोस्तों गाने की बात करूँ तो गाने जैसे बताऊँ 12 mm का ड्राइवर है, उसके हिसाब से लाउडनेस तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ सही मिल जाएगी, साउंड की क्वालिटी भी ठीक ठाक मिल जाएगी। नॉर्मल गाने सुनना चाहते हैं तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा सही है। वहीं पे आप बेस वगैरह गाने सुनना चाहें, बेस वाला गाने वगैरह सुनना जाएंगे तो थोड़ी वो साउंड की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा फटती है, तो वहाँ पे मुझे थोड़ी डिफरेंटिंग लगी। तो वैल्यूम की बात करूँ तो फुल पे सुनेंगे तो फटेगी, लेकिन थोड़ा सा वैल्यूम कम करके सुनेंगे तो सही चीज़ देखने के लिए मिल जाएगी। ओवरऑल परफॉर्मेंस बात करूँ दोस्तों तो बेस के लिए इसको रिकमेंड नहीं करूँगा, बेस वाला गाने सुनना चाहते हो तो उसके लिए रिकमेंड नहीं करूँगा। अब बात करो गेमिंग का, तो यहाँ पे आपको 65 ms का लो लेटेंसी दिया गया है, जो इसके लिए काफ़ी डिले वगैरह हो जाता है, तो गेमिंग के लिए तो रिकमेंड नहीं करूँगा। गेमिंग वगैरह कर सकते हैं, बीस्ट मोड दिया गया तो राइट लेफ्ट वगैरह जो साउंड क्वालिटी होता है ना पबजी में बेसिकली, वो काफ़ी अच्छे से आपको देखने के लिए मिल जाएगा, तो वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सही है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा परचेज वगैरह कर सकते हैं। लेकिन लो लेटेंसी तो बेसिकली डिसअपॉइंटिंग है, लो लेटेंसी, इतना लो लेटेंसी बेसिकली गेमिंग जो एक्सेसरी जो है उसमें नहीं होगा, क्योंकि 65 ms लो लेटेंसी बहुत ज़्यादा हो जाता है। बात करो दोस्तों ओवरऑल परफॉर्मेंस पर परचेज किस लिए करना चाहिए, क्योंकि प्राइसिंग की बात करूं तो 1100 रुपये के आसपास प्राइसिंग है, अमेजोन फ्लिपकार्ट दोनों पे अवेलेबल है, लिंक वगैरह दे दूंगा। तो मैं जैसे रेकमेंड करूंगा दोस्तों गेमिंग के लिए तो रेकमेंड नहीं करूंगा, कॉलिंग के लिए रेकमेंड करूंगा, और इसकी बैटरी लाइफ मेन हाईलाइट है उसके लिए रेकमेंड करूंगा। गाना वगैरह सुन सकते हैं, गाने वगैरह थोड़ा बहुत मल्टीमीडिया वगैरह यूज कर सकते हैं, लेकिन हैवी अगर लवर है गाने वगैरह सुनने के लिए तो उसके लिए भी रेकमेंड नहीं करूंगा। तो चले फिर दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सारी डिटेल्स इसी वीडियो में आपको बता पाऊंगा, पूरी डिटेल्स वगैरह समझा पाए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, उसके बगल में बेल आइकन उसे अवेलेबल कर देना, ताकि ऐसी डिटेल वीडियो आते रहते हो उसे अपने फोन पे सबसे पहले देख पाएं। इसका तो लिंक दे दूंगा, और भी मैंने बहुत सारे निक बैंड जो अच्छे अच्छे प्राइस रेंज पे आता है बोट का ही है, तो उन सब का लिंक दे दूंगा, उसको देख पाएंगे, नहीं तो इसको परचेज वगैरह करना चाहेंगे तो इसका तो लिंक मिल जाएगा। तो चले भी दोस्तों आज के लिए इतना था, थैंक यू, धन्यवाद।